वीडियो में हम जानने वाले हैं हाइफानेक पी टैबलेट के बारे में, जिसका मेनली जो है पेन्स प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ये टैबलेट जो है वो कैसे काम करती है, कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, क्या क्या इसके बेनिफिट है और क्या क्या इस टैबलेट के साइड इफेक्ट जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग की, तो इंटास फार्मास्यूटिकल 15 स्टेप की ये टैबलेट जो है वो बनाती है और मार्केट में इसकी प्राइस 76 रुपीज रहने वाली है। बात करते हैं इसमें मौजूद कंटेंट की, तो इसमें मौजूद कंटेंट एसिक्लोफेनाक IP 100 mg और पारासीटामोल IP 325 mg होता है। बात करते हैं एसिक्लोफेनाक की, तो एसिक्लोफेनाक एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के क्लास से आता है। ये बॉडी में जो वैसे केमिकल मैसेंजर जो दर्द और सूजन का कारण बनते हैं उनको रोकता है और दर्द को रिलीफ दिलाता है। पारासीटामोल IP की बात करूं तो ये जो है वैसे केमिकल मैसेंजर को रोकता है जो बुखार का कारण बनते हैं। इसके यूजेस की बात करूं, हाइफानेक पी जो है इसका यूज जो है वो पेन की प्रॉब्लम में, जैसे कि आपका कमर पेन, इसके बाद मस्कुलर पेन जो मांसपेशियों में पेन होता है, इसके अलावा दांत दर्द, कान दर्द, इसके अलावा जो है जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, एरिस्टोअर्थराइटिस, अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम में, इसके अलावे महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन से जो प्रॉब्लम होती है उसके दर्द को रिलीफ के लिए इस मेडिसिन का यूज जो है वो किया जाता है। ये एक पेन किलर मेडिसिन है और डॉक्टर जो है इसको पेन की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन को जो है डॉक्टर और फार्मासिस्ट द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। बात करते हैं इस टैबलेट के डोजेज की, कि कौन कौन सी, कितने डोजेज में, कितने कंटेंट में जो है इस टैबलेट को आप ले सकते हो। तो देखिए डोजेज की बात करूं तो आप अपनी कंडीशन बताकर डॉक्टर को ये टैबलेट आप ले सकते हो। ये एडल्ट के लिए 500 mg और जो है आप अगर आप चिल्ड्रेन में ले रहे हो, छोटे बच्चों को इस मेडिसिन को लेने से पहले अपने डॉक्टर को, अपने डॉक्टर की या फार्मासिस्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए और डॉक्टर से के अनुसार ही इस मेडिसिन का सेवन करना चाहिए। बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की, कि कौन कौन सी साइड इफ़ेक्ट जो है आपको इस टैबलेट में, हाइफानेक पी टैबलेट में देखने को आपको मिल सकते हैं। देखिए साइड इफ़ेक्ट कुछ भी अगर आपको देखने को मिलता है इस टैबलेट को लेने से, तो आपको जो है तुरंत अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को इसके बारे में जानकारी जरूर देनी चाहिए। एसिडिटी, पेट दर्द, दस्त, मितली, उल्टी, कब्ज जैसी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। प्रिक्यूशन, सावधानियां किस किस चीज़ की रखनी चाहिए, तो अगर आपको साइड इफ़ेक्ट है या फिर इसमें मौजूद जो कंटेंट है उससे आपको एलर्जी है, तो उसके बारे में अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को इसके जानकारी ज़रूर दें। अगर आप इसके अलावा कोई अन्य मेडिसिन का यूज़ कर रहे हो तो उसके बारे में जो है अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, ताकि वो जो है इसकी इन्फॉर्मेशन को लेकर के आपको जो है उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन आपको प्रोवाइड कर पाएँ। प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हैं, इसके अलावा अगर आपको लीवर या किडनी की प्रॉब्लम है, ऐसी सिचुएशन में इसकी जानकारी अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को इसकी भी जानकारी ज़रूर देनी चाहिए। अगर एल्कोहल आप यूज़ कर रहे हो तो इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए। एल्कोहल के साथ इस मेडिसिन का यूज़ जो है वो वर्जित है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ऐसी सिचुएशंस कोई भी आपको दिक्कत होती है तो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से इसकी जानकारी ज़रूर दें।